वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने हमारे चैनल पे जिसका नाम है हिस्टोरिक कॉइन्स। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन एक सिक्का लेके आया हूँ, 2 रुपये का। आपने बहुत बार देखा होगा लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, जो लुईस ब्रेल का कॉइन है 2 रुपये का। तो दोस्तों, इस कॉइन से ऐसी घटना घड़ी है। लुईस ब्रेल 4 जनवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था और 6 जनवरी 1852 को इनकी मृत्यु हुई थी। फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की। यह पद्धति ब्रेल नामक से जग प्रसिद्ध है। फ्रांस में जन्मे लुप ब्रेल लुई अंधों के लिए ज्ञान चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण में नेत्रहीनों के पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई स्वयं भी नेत्रहीन थे। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी को फ्रांस में हुआ था। एक छोटे से ग्राम कुपरे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन होने के कारण साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए जब बालक लुईस मात्र 3 वर्ष के हुए, उनके पिता ने उसमें अपने 7 घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा लिया। अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक ने अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिता। इसीलिए बालक लुईस के खेलने की वस्तुएं वही थी जो उसके पिता द्वारा अपने कार्यों में उपयोग की जाती थी, जैसे कि कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू, काम आने वाले लोहे के औजार। तो इसी तरह से जो वहाँ पे जो उनके पिताजी यूज़ करते थे वो चीज़ें, एक दिन वैसे ही एक चाकू काम करते करते वहाँ से निकला और उस लुईस के आँखों में जाकर लगा और बहुत गहरी चोट आई। उनको लगा कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 8 साल के होने के बाद उनको धीरे धीरे दिखने नहीं लगा। तो एक बार उन्होंने उनको बताया कि मुझे दिख नहीं रहा, तो उनके माता पिता को लगा कि जैसे कि बड़ा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उनको दिखने लगेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी भी आँख उनकी अंधी हो गई। अब इतने कम समय में, मतलब छोटी ही उम्र में उनको अंधापन आ गया। ये बहुत ही गंभीर समस्या थी, लेकिन इस समस्या को देखकर लुईस ब्रेल ने अपने हाथों से एक ब्रेल लिपि लिखी, जैसे कि इस कॉइन पे लिखा हुआ है LBR। वो आपको नहीं समझेगा क्योंकि ये डॉट डॉट है, वो L और BR मतलब लुईस ब्रेल। इन्होंने यह शोध लगाया और वहाँ पे जो अंध व्यक्ति थे उनको पढ़ने में आसानी आए। मतलब अंध व्यक्ति होते हैं उनको तो क्या दिखता नहीं है, लेकिन वो हाथ से वो लिपि जान जाते हैं, जैसे कि इस पे लिखा है मैंने बताया लुईस ब्रेल। ऐसे ही ये प्रणाली अब तक चालू है। तो दोस्तों, 100 साल उनकी शताब्दी होने के कारण ये सिक्का का निर्माण किया था। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सिक्का है तो अच्छी बात है। इसकी मार्केट में अभी वैल्यू चालू है 50 रुपये या 60 रुपये। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सिक्का है तो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन अटेंड कीजिए और आपको लगता है कि किसी बायर इसको ले सकता है तो बेच सकते हैं आप। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 100 रुपये या 150 रुपये तक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।